मार्शमेलोज, मैं आपकी लवर गर्ल आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है नेवरगन। ये मूवी रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है, तो चलते हैं मूवी के फर्स्ट सीन की तरफ। जिसमें हम देखते हैं इस मूवी की हीरोइन यूजिन को, जो कि रोड पे भागते हुए किसी को ढूंढ रही होती है। दोस्तों, इस वक्त मूवी के हिसाब से साल 2015 चल रहा था। अब आखिर यूजिन किसे ढूंढ रही थी, ये जानने के लिए दिखाया जाता है साल 2007 का सीन, जिसमें हमें बताया जाता है कि उस वक्त यूजिन के डैड बीमारी के चलते हॉस्पिटल में थे और उनकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जिसके चलते यूजिन और उसकी मॉम दोनों काफी मेहनत कर रहे थे। मगर यूजिन के पेरेंट्स अपनी इकलौती बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए वो अपनी जमा करी हुई सारी सेविंग्स का इस्तेमाल करके उसका एडमिशन शहर के बड़े हाई स्कूल में करवाते हैं। अब यूजिन स्कूल से अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा करियर बनाकर अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहती है। मगर दोस्तों, पहले दिन ही यूजिन जब इस बड़े से हाई स्कूल को देख रही होती है, तभी मूवी के हीरो की एंट्री एक महंगी सी स्पोर्ट्स बाइक पे होती है और गलती से बीच में पड़े वाटर पाइप से पानी यूजिन के ऊपर गिर जाता है और वो भीग जाती है। जेंग बाइक से उतरकर उसके पास तो आता है, मगर उससे माफी मांगने के बजाय उसे फुल एटीट्यूड दिखाता है। दोस्तों, बात करें हीरो की तो इसका नाम है जेंग, जो कि एक बहुत अमीर घर का लड़का है और इसके अलावा वो एक मल्टी टैलेंटेड लड़का है। वो बेसबॉल, बाइकिंग और एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, जिसके चलते वो क्लास में टॉपर रह चुका था। इस स्कूल की लड़कियों के बीच भी वो बहुत फेमस बताया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉकर रूम में रियूजिन की दोस्ती मोजो नाम की स्टूडेंट से होती है। वो रियूजिन को कहती है कि कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद क्लास स्टार्ट होती है और रियूजिन जेंग के आगे वाले खाली डेस्क पे बैठती है। रियूजिन काफी खूबसूरत दिखती थी, इसलिए क्लास में उसके आसपास बैठे जेंग और उसके बेस्ट फ्रेंड जोयू को वो बहुत होशियार लगती थी। मगर जिस दिन उनके टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं, तो पता चलता है कि रियूजिन बड़ी मुश्किल से पास हुई थी, यानी उसके बहुत खराब मार्क्स आए थे। इस बात पे जोयू उसका मजाक भी उड़ाता है, जिस पे रियूजिन को बुरा लगता है। पीछे से जेंग उसकी शीट पे लिखे नंबर्स या आंसर्स पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैथ्स के सही जवाब शेयर कर सकता हूँ। मगर यूजिन उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जेंग अचानक उसके हाथ से उसकी नोटबुक निकाल लेता है। यूजिन अपनी नोटबुक उससे वापस लेने की कोशिश करती है, मगर इसी बीच उसकी नोटबुक से उसका सैनिटरी क्लोथ गिर जाता है और यूजिन गुस्से में जेंग को क्लास के सभी स्टूडेंट्स के सामने चाटा मार देती है और अपनी नोटबुक लिए बिना ही क्लास से चली जाती है। लंच के बाद जेंग उससे माफी मांगने की कोशिश करता है और उसके चेयर को अपने पैर से हिलाकर उसे उसकी नोटबुक वापस देने की कोशिश करता है। मगर यूजिन उसकी वजह से क्लास पे फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए वो उसके पैर पे अपनी चेयर चढ़ा देती है और जेंग की चीख निकल जाती है। मगर वो खुद को कंट्रोल करके उसकी नोटबुक वापस कर देता है। जब रियूजिन इसे खोल कर देखती है तो उसमें जेंग ने सभी क्वेश्चंस की गलतियां और उसके सही जवाब भी लिखे हुए थे। दोस्तों, इसका मतलब जेंग उतना भी अकरू नहीं था। क्लास ओवर होने के बाद रियूजिन अपनी दोस्त मोजो के साथ जा रही होती है, मगर उनका रास्ता रोक कर लड़खड़ाता हुआ जेंग और उसका फ्रेंड जोयू रियूजिन से माफी मांगने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही जेंग को बहुत दर्द हो रहा है, अब इसके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। ये सुनकर यूजिन उसे अपना कैश कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंग को ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था, वो तो सिर्फ दर्द के बहाने यूजिन से बात करना चाहता था। इसके बाद जोयू स्कूल कैंटीन में सारे स्टूडेंट्स को पार्टी देने की बात कहकर उनकी मन पसंदीदा डिश ऑर्डर करने को कहता है। वहाँ मोजो भी बैठी थी, वो जोयू को डांट कर कहती है, तुम ऐसे यूजिन से बिना पूछे उसके पैसे कैसे खर्च कर सकते हो, शायद तुम्हें नहीं पता कि रियूजिन ने ये सब पैसे बड़ी मेहनत से काम करके कमाए हैं ताकि वो हॉस्टल में अपना खर्चा चला सके।
और फिर मोजू वहाँ से चली जाती है। वहाँ बैठे जेंग को अपनी इस हरकत पे बहुत बुरा लगता है और वो उसे और परेशानी नहीं देना चाहता था, इसलिए वो रियूजिन के एटीएम कार्ड में पहले से भी ज्यादा पैसे डालकर उसे वापस कर देता है। रियूजिन जेंग के डाले हुए एक्स्ट्रा पैसे उसे वापस देते हुए कहती है कि ये पैसे मेरे नहीं है, इसलिए तुम इन्हें वापस ले लो। जेंग उसे वो पैसे अपने पास रखने के लिए कहता है, मगर रियूजिन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रियूजिन स्कूल के रूफ पे अकेली बहुत उदास होकर खड़ी थी, मगर तभी वहाँ जेंग आ जाता है और उसे देखकर रियूजिन नीचे जाने लगती है। मगर जेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपने मार्क्स को लेकर टेंशन हो रही है तो तुम मेरी मदद ले सकती हो, मैं तुम्हें अपने तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दूंगा, क्योंकि इस बार तुम्हारे लिए अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। रियूजिन उसे मना करने वाली थी, मगर उसे उसकी मॉम डैड की मेहनत की कमाई से दी हुई फीस की चिंता होती है और वो उसकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों तक जेंग और रियूजिन दोनों सीक्रेटली रूफ पे एक साथ मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं और इसी के चलते अगले एग्जाम में रियूजिन को पूरे 85 मार्क्स मिलते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। जेंग भी उसकी इम्प्रूवमेंट्स देखकर खुश होता है। रियूजिन की दोस्त मोजो उसे बताती है कि वो और जोयू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर दोस्तों अगले कुछ दिन रियूजिन स्कूल नहीं आई थी, इसलिए जेंग फाइनली मोजो से उसके स्कूल न आने की वजह का पता लगाता है और मोजो उसे बताती है कि रियूजिन फैमिली इश्यूज की वजह से स्कूल नहीं आ सकती। ऐसे ही दो दिन और बीतते हैं और एक दिन मोजो रियूजिन की सीट पे बैठने लगती है, मगर जेंग उसे रोकने लगता है। जवाब में मोजो उसे कहती है, रियूजिन ने ही मुझे ऐसा करने को कहा और हाँ, वो हॉस्टल वापस आ चुकी है। ये सुनकर जेंग फटाफट भागते हुए उसके रूम में जाता है, मगर यहाँ रियूजिन उससे बात करना तो दूर, उससे मिलना तक नहीं चाहती थी। जेंग को उसके जैकेट पे ब्लैक कलर का कपड़ा दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि अब रियूजिन के डैड उसे छोड़कर चले गए हैं और वो किसी से मिलना नहीं चाहती है। इसके बाद रियूजिन फील्ड में भागने लगती है और जेंग भी इसके पीछे दौड़ता है, मगर वो उसे कहती है, बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से ना ही मिले, और जेंग उसकी बात मानकर वैसा ही करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आज उनकी हाई स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी। वहाँ पार्टी में रियूजिन, मोजो, जेंग और जोयू भी थे। मोजो अपने पसंदीदा लड़के जोयू के साथ डांस करने चली जाती है और इसी बीच रियूजिन की एक और फ्रेंड उसे बताती है कि जब से तुम्हारी जेंग से आखिरी बार बात हुई थी तब से वो बदला सा गया है, वो किसी से ज्यादा बात तक नहीं करता है। इसी बीच जेंग आकर रियूजिन को डांस के लिए इनवाइट करता है और ये दोनों भी मोजो और जोयू की तरह डांस करते हैं और तभी अचानक से पावर कट हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जोयू और मोजो एक दूसरे को किस कर देते हैं। इससे पहले कि जेंग रियूजिन को किस करता, लाइट्स वापस आ जाती है। रियूजिन पार्टी से बाहर चली जाती है और जेंग भी उसके पास जाकर उसे कहता है, तुम भी मेरे साथ पेरिस चलो, हम एक साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। रियूजिन भी उसके साथ रहना चाहती थी, मगर वो कंफ्यूज थी क्योंकि जेंग एक बिजनेसमैन की फैमिली से था और उन दोनों के रिश्ते को जेंग के पेरेंट्स बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होंगे। रियूजिन उसे किस कर लेती है और जेंग को लगता है कि उसका जवाब हाँ था, मगर रियूजिन उससे आखिरी बार मिल रही थी और वो रोती हुई नजर आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साल 2009 आता है और जेंग आगे की पढ़ाई के लिए बीजिंग चला जाता है और रियूजिन ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वो लाइब्रेरी सेक्शन में काम करने लगती है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके सीनियर बैच के लड़के जॉन से होती है। जॉन को रियूजिन की फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता था और उसी ने रियूजिन की लाइब्रेरी में जॉब लगाने में उसकी मदद की थी। वो रियूजिन को बहुत पसंद करता है और एक साथ काम करने की वजह से इनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जब रियूजिन और उसकी दोस्त जॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक उसे जेंग की आवाज सुनाई देती है। उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो नीचे जाकर चेक करती है और वहाँ जेंग सचमुच खड़ा था। वो रियूजिन से नाराज था और उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ जाने के लिए मना क्यों किया। वो एक बार फिर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगती है, मगर जेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच जॉन सामने से आकर खुद को रियूजिन का बॉयफ्रेंड बताता है। ये सुनते ही जेंग चिढ़ने लगता है और वो भी खुद को रियूजिन का पहला प्यार बताता है। दोनों बहस करने लगते हैं, मगर रियूजिन उन्हें शांत होने को कहती है। जेंग उन्हें बताता है कि मैं यहाँ अपनी बहन के साथ टेंपल विजिट करने आया हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी में साथ चल सकते हो।
इसके बाद ये सब साथ ही टेंपल जाते हैं। वहाँ वो सब एक किताब के ऊपर अपनी अपनी विश लिखते हैं। यहाँ रियूजिन जेंग की विश जानने के लिए उससे पूछती है, मगर जेंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद जेंग की सिस्टर यूरी जॉन से कुछ मदद मांगती है और इसी बीच जेंग और रियूजिन दोनों गाड़ी के पास जाकर बीती कुछ बातें कर रहे थे और जेंग फाइनली रियूजिन से पूछता है, आखिर तुमने मुझे रिजेक्ट किस वजह से किया था। मगर इस वक्त भी रियूजिन उसे नजरें चुराने लगती है। जेंग उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे जोर से पकड़ कर किस कर देता है। मगर कुछ ही दूर खड़े जॉन को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद ये तीनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं और यहाँ रियूजिन जेंग का चैलेंज एक्सेप्ट करके कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और जेंग भी बहुत ड्रिंक कर लेता है। और जब जॉन उसे संभालने की कोशिश करता है तो वो नशे की हालत में भी जेंग का ही नाम ले रही थी। ये सब देखकर जेंग को अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अभी तक उसको नहीं भूली थी। मगर उनके साथ बैठे जॉन को गुस्सा आ रहा था। अगले दिन जब रियूजिन लाइब्रेरी में जॉन से बात करने की कोशिश करती है तो जॉन उससे नाराजगी जाहिर करते हुए कहता है कि शायद तुम्हारे दिल में जेंग के लिए अभी भी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, और वो रियूजिन से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होता है। इसके बाद रियूजिन परेशान होकर सीधा जेंग के कमरे में जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए जब तुम रुक नहीं सकते। जेंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें मेरे साथ रहने को कहा था, अगर कोई दूर हुआ तो वो तुम थी, क्या तुमने मुझे किस नहीं किया? अगर किया तो मैं इसका क्या मतलब समझूं? जवाब में रियूजिन उसे कहती है कि स्कूल में मैथ सिखाने के बहाने तुमने मुझसे दोस्ती की थी। जेंग भी गुस्से में कहता है, शायद गलती मेरी ही थी, मुझे तुम्हारा इंतजार करना ही नहीं चाहिए था, और कमरे से चला जाता है। दोस्तों, क्या जिन दोबारा उससे मिल पाएगा? क्या इनकी ये दोस्ती आगे प्यार में बदल पाएगी, या फिर ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? अब आगे क्या होगा, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, जो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी। बाय बाय।